हाई गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज इन दिस वीडियो आई एम गिस्कस अबाउट टेन वर्ड्स दैट यू शूड अवॉयड इन दी राइटिंग टास्क सो इस वीडियो में जनरली हमने वो दस वर्ड्स डिस्कस करने हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए अपने राइटिंग टास्क वन एज वेल एज राइटिंग टास्क टू में क्लियर सो so, अगर आप ये वर्ड्स यूज करते हो तो आपके राइटिंग टास्क में फाइव और फाइव पॉइंट फाइव जनरली फ़ाइव पॉइंट फाइव पर स्टक कर सकते हो आप ठीक है जनरली अगर आप इन वर्ड्स को अवॉइड करोगे दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू तो आपके फाइव पॉइंट फाइव टू सेवन बैंड्स भी मतलब इंक्रीज हो सकते हैं राइट सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो फर्स्ट वर्ड इज़ किड्स

Second word is that you have to avoid uh, in the writing task like bad. B A D. The generally you have to use A word, that is also informal. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमें लगता ये है ये फॉर्मल है बट यूज कर सकते हैं हम राइटिंग में बट यू हैव टू सर्च अपॉन दैट वर्ड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज दैट वर्ड राइट सो पहले पूरी वर्ड की सर्चिंग करो कोई सिनोनिम जिसका है ठीक है लाइन के अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज भी हो सकता है सो जनरली बैड वर्ड भी राइटिंग में आप नहीं लिखोगे राइट सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैड यू कैन यूज़ अनदर वर्ड्स लाइक अनप्लेजेंट अनवेलकम अनफेवरेबल रोंग नेगेटिव राइट ओके थर्ड वर्ड जो कि आपको राइटिंग टास्क में नहीं लिखना वो है रैकन हम बोलते हैं ना आई बिलीव दैट राइट पीपल सम पीपल बिलीव दैट सम पीपल अदर पीपल बी लीव लिखते हो ना आप ऐसे ठीक है डिस्कस बोथ व्यू में बहुत काम आएगा ये आप, आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वो मतलब उन्हें लगता है कि हमारे ये वर्ड्स लिखने से बैंड्स इंक्रीज हो जाएंगे राइटिंग टास्क में इसका ऑपोजिट हो जाता है ठीक है सो रैकन इज ऑल्सो इनफॉर्मल वर्ड सो आपने इंस्टेड ऑफ राइटिंग रैकन यू कैन राइट ओपाइन अग्री बिलीव एंड एजर्ट सो आपने रैकन वर्ड का यूज़ नहीं करना राइट right? ओके फोर्थ वर्ड इज ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड बट बटर हम जनरली यूज करते हैं लाइक फॉर द लिवलीहुड राइट फॉर द अर्निंग पर्पज एनी थिंग सो यू कैन स्पीक इन स्पीकिंग नो नो डाउट ठीक है आप बोल सकते हो अपनी स्पीकिंग में फॉर देयर अर्निंग ब्रेड एंड बटर राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इन योर स्पीकिंग पार्ट बट इन केस ऑफ राइटिंग यू डोंट नीड टू यूज द ब्रेड एंड बटर वर्ड right so abosakhi for their earning purpose for their living purpose for their livelihood okay आ, today's fifth word is really try to avoid writing the really in the writing task one as well as two to kabind writing task two really word instead of writing really you can use undoubtedly right that is totally formal word that you have to write in the writing tasks द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज यू जनरली हम जब पर्सनल एग्जाम्पल एड करते हैं राइटिंग टास्क में वैसे तो आपको अवॉइड करनी चाहिए ठीक है राइटिंग टास्क में पर्सनल एग्जाम्पल लिखनी ही नहीं है आपने अगर हमने क्वेश्चन में पर्सनल है तो आपको उसमें यू वर्ड का अवॉइड करना है ठीक है यू वर्ड को अगर राइटिंग टास्क टू आ गया ऊपर उसमें ऊपर लिखा भी है गिव योर पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल उसमें आपने यू वर्ड का भी यूज नहीं करना है राइट यू वर्ड यूज यूज करना भूल ही जाओ बस राइटिंग टास्क में उसके लिए आप यूज कर सकते हो कोई पर्सन बोल सकते हो अ पर्सन एनी बडी ह्यूमन यूज कर सकते हो राइट बट यू वर्ड नहीं यूज करना दैट विल डिडक्ट यूर बैंड स्कोर्स इन द रियल आई एग्जाम सेवेंथ वर्ड इज ईजी इजी जनरली आपको अवॉइड करने हैं ये वर्ड जो कि आपको 5.5 से 7 बैंड तक लेके जा सकते हैं जी गाइस सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इजी यू कैन यूज दी अनदर वर्ड्स लाइक अनट्रबल्ड ऑब्वियस राइट सो आर टूडेज एट वर्ड इज अवॉइड वेरी इंपॉर्टेंट आपको अवॉइड करना है जैसे जा, हम बोलते हैं ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पोल्यूशन कुछ भी ऐसे लिखते हो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हो ना जब सो इन स्टेड ऑफ राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन राइट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्रूशियल वाइटल इसेंशियल इंडिस्पेंसिबल और इंटेग्रल देर आर मोस्ट ऑफ दी लाइक दीज वर्ड्स यू हैव टू यूज इन योर राइटिंग टास्क क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट को अवॉइड करो जनरली ये वर्ड कौन सा है लाइक फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव बैंड वाला okay ninth word is literally literally word use karo you can use in your speaking part but if i talk about the writing you do not need to use this word uh, you can write like absolutely or definitely okay so today's last word is nice nice is generally informal word for the writing task right so you can use pleasant and del delightful pleasant and delightful instead of writing nice okay guys if you like this video hit the like button share this video with your friends and if you have any doubt any query in any of the module so you can tell me in the comment section so that uh, i can make my next video on that particular topic so guys thanks for watching this video